नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। छूटे हुए परिवारों को बनाया जाएगा नया राशन कार्ड। वैसे परिवार किसी कारणवश जो है अपना नया राशन कार्ड नहीं बनवा पाए, वे जो है अपना नया राशन कार्ड बनवा सकेंगे। ऐसा गरीब नहीं बचना चाहिए जो योजनाओं का लाभ से वंचित हो। तो ये नया राशन कार्ड कब से बनाया जाएगा, सारा जानकारी जो है इस वीडियो में मैं डिटेल में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। अभी तक सरकारी योजना से नहीं जुड़े इसी वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके हम सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो छूटे हुए परिवारों को बनाया जाएगा नया राशन कार्ड। देखिए यहाँ पर जो है बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो है हम लोग इतना ना प्रेशर डाले कि यहाँ पर जो है बिहार सरकार ने निर्णय ले लिया है कि यहाँ पर जितने बिहार में छूटे हुए लाभुक है जिनका किसी कारणवश उनका नया राशन कार्ड नहीं बन पाया वे सभी जो है अपना नया राशन कार्ड बनवा सकेंगे। ऐसे गरीब परिवार जिनका किन्हीं कारणवश राशन कार्ड नहीं बन पाया है वह अपना कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आरटीपीएस काउंटर पर फॉर्म जमा करना होगा। हालांकि अधिकारी और कर्मचारी ऐसे लोगों की सूची तैयार कर रहे हैं जहाँ से राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत मिली है। देखिए यहाँ पर इतना ना शिकायत गई है, इतना ना शिकायत हुई है कि यहाँ पर जो है बिहार सरकार ने यहाँ पर निर्णय ले लिया है कि जितने लाभुक है किसी कारणवश जो है वे अपना नया राशन कार्ड नहीं बनवा पाए वे जो है फिर से दोबारा जो है यहाँ पर आवेदन देकर अपना नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं या जिनका राशन कार्ड में त्रुटि है वे जो है अपना सुधार करवा सकेंगे। डीएम कुमार रवि के निर्देश पर अधिकारी वैसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो राशन कार्ड के लिए योग्य है। आने की जो है जिसका राशन कार्ड बनना चाहिए वे लोग का जो है अभी तक नया राशन कार्ड नहीं बन पाया है वो ऐसे व्यक्ति का जो है यहाँ पर चिन्हित होना स्टार्ट हो गई है। कुछ लोगों ने संबंधित अधिकारियों के कार्यालय में शिकायत की है कि उनके परिवार के कई लोगों का राशन कार्ड में नाम नहीं है, शिकायत के बावजूद सुधार नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों को पहले ही मैं बताए थे कि यहाँ पर बहुत ऐसे सारे लाभार्थी हैं जिनका राशन कार्ड में नाम छूट गया है, वे जो है यहाँ पर शिकायत करने के बावजूद जो है उनका राशन कार्ड सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके बाद जो है डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी ऐसा गरीब नहीं बचना चाहिए जो योजनाओं के लाभ से वंचित हो। साथ ही यह भी सावधानी बरतने को कहा है कि अयोग्य लोगों को राशन कार्ड नहीं बने अनुमंडल पदाधिकारियों को कार्यालय में की शिकायत दर्ज कराई गई है। देखिए यहाँ पर जो है ऐसे अयोग्य लोगों का राशन कार्ड जो है नहीं बने हैं, यहाँ पर जो अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में जो है शिकायत दर्ज कराई गई है कि बहुत ऐसे परिवार है जिनके कुछ ही सदस्यों का नाम राशन कार्ड के लिए जोड़ा गया है जबकि शेष परिवारों का नाम छोड़ दिया गया है जिससे उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में जो है काफी ज्यादा शिकायत जो है दर्ज कराई गई है। इसके देखते हुए जो है बिहार सरकार ने जो है निर्णय ले लिया है कि सभी को जो है नया राशन कार्ड दोबारा बनाया जाएगा। जिनका राशन कार्ड नहीं बना और जिनका नया राशन कार्ड बन गया है उनका राशन कार्ड में किसी भी प्रकार से त्रुटि है, नाम ऐड करवाना है, वे जो है अपना नाम ऐड करवा सकते हैं आरटीपीएस काउंटर पर जाकर। सवाल निकल कर आ रही है कि कब से नया राशन कार्ड बनाया जाएगा और कब से सुधार होगा। तो यहाँ पर जो है पहल आरटीपीएस काउंटर पर लोगों को फॉर्म जमा करने को कहा गया है। डीएम के निर्देश पर छूटे हुए योग्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। देखिए बहुत ब्लॉक में जो है आरटीपीएस काउंटर पर नया राशन कार्ड बनना एवं सुधार होना स्टार्ट हो गया है और बहुत ऐसे जगह पर जो है अभी नहीं हुआ है। जो है जैसे डीएम के निर्देश पर यहाँ जो है छूटे हुए योग्य को जो है चिन्हित किया जा रहा है। जैसे ही होता है यहाँ पर जो है सभी ब्लॉक में जो है नया राशन कार्ड के लिए आवेदन एवं सुधार होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।